प्रिय छात्रों, जैसा कि पिछले क्लास में मैंने बताया था, कला एवं कलांतर। कला जो है वह पूर्ण जानकारी देता है, और जब दो कण सल आवर्त गति कर रहा है और दोनों के बीच में कला में जो अंतर होता है उसे कलांतर कहते हैं। एक प्रश्न है, दो कण एम तथा एन क्रमशः 40 सेकेंड एवं 60 सेकेंड के साथ सरल आवर्त गति करता है, तब 20 सेकेंड के बाद कलांतर क्या होगा? तब देखिए, कलांतर, चूंकि यहां आवर्त काल अलग अलग है, तो कलांतर डेल फाई इक्वल टू होगा ओमेगा 1t माइनस ओमेगा 2t। ठीक है, ये हो गया 2π/T1 (t) माइनस 2π/T2 (t). ठीक है, 2π/40, T1 का मान 40 है, स्मॉल t का मान 20, 2π/60 (20), यही से कट गया 3 हो गया, यही से कट गया 2 कैंसिल, π-2π/3 इजकल टू π/3 और 60 डिग्री। तो डेल फाई इजकल टू π/3 और 60 डिग्री। कलांतर का मान जो आया वो आया डेल फाई इजकल टू π/3 और 60 डिग्री। समझ गए? तो एक कलांतर पर प्रश्न था। देखिए, नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है सरल दोलक की गति। सरल दोलक की गति, मान लीजिए कि यहां पर जो है पी पॉइंट पर एक एक्सट्रिंग जो है जो लचीला नहीं है, उसके एक किनारा को फिक्स कर देते हैं और एक किनारा पर बॉब लटका देते हैं, बॉब। ठीक है, किसी क्षण या थीटा एंगल पर डिस्प्लेस किया, विस्थापित हुआ, यहां पर गया, तो mg डाउनवर्ड काम करेगा, ये एंगल थीटा, तो एंगल थीटा mg cos थीटा, mg cos थीटा किसको बैलेंस करेगा? टेंशन मतलब तनाव को, और mg sin थीटा प्रत्यायनन बल होगा, mg sin थीटा प्रत्यायनन बल होगा। यही देखिए, यहां पर यही प्रत्यायनन बल mg sin थीटा है जो सरल दोलक को सरल आवर्त गति कराता है। समझ गए? यहां पर एट एनी इंस्टेंट, मान लीजिए पी है, यहां से ए बिंदु पर साम्यावस्था में है, बी पॉइंट पर चला गया थीटा एंगल से डिस्प्लेस होकर, mg डाउनवर्ड काम करेगा, हमने दो कॉम्बिनेटर थीटा, तो ए थीटा, mg cos थीटा, mg sin थीटा, mg cos थीटा टेंशन को बैलेंस करेगा और mg sin थीटा जो है वह आपको प्रत्यायनन बल का काम करेगा। अर्थात mg sin थीटा के कारण ही सरल दोलक जो है सरल आवर्त गति करेगा। समझ गए? इसका आवर्त काल जो होता है, इसका आवर्त काल कैपिटल टी इक्वल टू 2π/√L/g। ठीक है, ये सिर्फ जब सरल दोलक लिखा रहे तभी ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, t = 2π/√L/g। ठीक है, समझ गए? तो इससे कंसेप्ट क्या मिला? इससे कंसेप्ट यह मिला, फर्स्ट, सरल दोलक
का आवर्तकाल, सरल दोलक का आवर्तकाल गोलक के द्रव्यमान से स्वतंत्र होता है। सरल दोलक का आवर्तकाल गोलक के द्रव्यमान से स्वतंत्र होता है, समझ गए? 50 ग्राम का अगर गोलक लिया जाए, 100 ग्राम का गोलक लिया जाए, आवर्तकाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसे हम द्रव्यमान का नियम कहते हैं। तीन नियम होता है। पहला क्या है? द्रव्यमान का नियम। द्रव्यमान के नियम के अनुसार क्या हुआ? सरल दोलक का आवर्तकाल गोलक के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, समझ गए? अब सुनिए, सेकेंड में होगा टी समानुपाती स्क्वायर रूट ऑफ एल। जी इक्वल टू कितना हुआ? नियत। जी इक्वल टू नियत हुआ। टी समानुपाती अंडर रूट स्क्वायर रूट ऑफ एल। जी इक्वल टू नियत हुआ। मतलब आवर्तकाल जो होता है प्रभावी लंबाई के वर्गमूल के समानुपाती होता है, यदि जी बराबर क्या हुआ? नियत। समझ गए? इस नियम को हम लंबाई का नियम कहते हैं। इस नियम को हम लंबाई का नियम कहते हैं, समझ गए? और थर्ड है टी समानुपाती 1/√g। जब एल इक्वल टू क्या हुआ? नियत। जब एल इक्वल टू नियत हुआ, समझ गए? जब एल इक्वल टू नियत हुआ तो टी समानुपाती 1/√g। इसे गुरुत्व का नियम कहते हैं। जहाँ जहाँ जी का मान चेंज होगा आवर्तकाल चेंज होता जाएगा, बशर्ते की लंबाई नियत है। इसे गुरुत्व का नियम कहते हैं। तो क्या कंसेप्ट मिला? कंसेप्ट यह मिला कि सरल दोलक के तीन नियम होते हैं। पहला द्रव्यमान का नियम, जिसके अनुसार सरल दोलक का आवर्तकाल गोलक के द्रव्यमान से स्वतंत्र होता है। दूसरा, यहाँ सरल दोलक की प्रभावी सरल दोलक का आवर्तकाल उसके प्रभावी लंबाई के वर्गमूल के समानुपाती होता है, यह लंबाई का नियम हुआ। और तीसरा नियम जो हुआ, सरल दोलक का आवर्तकाल उसके गुरुत्वीय त्वरण के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इसे गुरुत्व का नियम कहते हैं, समझ गए? अब सुनिए, टाइम पीरियड फिक्स है। टाइम पीरियड आप याद रखिएगा, टी बराबर 2π√L/g, ठीक है? यहाँ पर एक बात याद रखिए, एक होता है सेकेंड दोलक, सेकेंड पेंडुलम, उसे हम सेकेंड पेंडुलम कहते हैं, जिसे कहीं कहीं आपको क्लॉक लिखा होगा, क्लॉक में रहता है, वॉल क्लॉक में। सेकेंड पेंडुलम वह दोलक है, सेकेंड दोलक, द्वितीय दोलक या सेकेंड पेंडुलम वह दोलक है जिसका आवर्तकाल जो होता है 2 सेकेंड होता है, फिक्स है। जिसका आवर्तकाल 2 सेकेंड होता है, एकदम फिक्स है। एक ऑसिलेशन में उसको समय कितना लगता है? 2 सेकेंड। तो आवर्तकाल 2 सेकेंड होता है। कहीं भी अगर सेकेंड पेंडुलम लिखा है, कहीं भी अगर द्वितीय दोलक लिखा है, कहीं भी क्लॉक लिखे हुए है, तो बात को ध्यान रखिए, वहाँ सीधे उसका आवर्तकाल 2 सेकेंड ले लीजिएगा, ठीक है? दूसरी बात, यदि सरल दोलक को पृथ्वी के केंद्र पर किसी उपग्रह में या किसी गुरुत्वविहीन क्षेत्र में ले जाया जाए, तब आवर्तकाल अनंत होता है। आवर्तकाल अनंत होता है। आवर्तकाल अनंत होता है, इसका मतलब क्या हुआ? ध्यान से सुनिए। मीन पोजीशन से तो एक्सट्रीम पोजीशन पर चला गया, मध्य बिंदु से महत्तम बिंदु पर चला गया, लेकिन गुरुत्वविहीन क्षेत्र में स्मॉल जी का मान शून्य होता है, स्मॉल जी का मान शून्य होता है। इसलिए वहाँ पर जो है आपको प्रत्यायनन बल शून्य हो गया, समझ गए? तो बात को ध्यान रखिए, एकदम क्लियर कट कंसेप्ट रखिए। जहाँ पर गुरुत्वविहीन क्षेत्र लिखा रहे कि गुरु चाहे वो सेकंड पेंडुलम ही हो, गुरुत्वविहीन क्षेत्र में ले जाते हैं, तो सीधे आप उसका आवर्तकाल का आंसर दीजिएगा अनंत, इनफाइनाइट। आपको हम कंसेप्ट दे दिए, क्यों? व्हाट स्टैंड्स फॉर इन्फिनाइट? इन्फिनाइट का अर्थ क्या हुआ? इन्फिनाइट का अर्थ यह हुआ कि वहाँ पर प्रत्यायनन बल जो है शून्य हो गया। प्रत्यायनन बल शून्य हो गया मतलब वह दोलन नहीं कर सकता है, समझ गए? अब देखिए, मान लीजिए कोई लिफ्ट है, अगर लिफ्ट नियत त्वरण a से ऊपर की तरफ जा रहा है,
तब वहाँ पर प्रभावी गुरुत्वीय त्वरण जो होगा जी प्लस ए होगा, ऊपर की तरफ जा रहा है तो यहाँ पर एम जी तो नीचे काम करेगा और एम जी नीचे काम करेगा और एक वो चूंकि अजरथीय निर्देश तंत्र हो गया लिफ्ट, तो एक छदम बल काम करेगा, छदम बल भी नीचे काम करेगा, तो छदम बल नीचे काम करेगा तो प्रभावी उसका जो आभासी भार होगा एम इंटू जी प्लस ए होगा एवं प्रभावी जो गुरुत्वीय त्वरण होगा वो जी प्लस ए होगा, जी प्लस ए होगा, आवर्त काल का मान क्या होगा, घट जाएगा, समझ गए। अगर लिफ्ट नीचे की तरफ आ रहा है, यदि लिफ्ट नीचे की तरफ आ रहा है तो बात को ध्यान रखिए, यहाँ पर जो है एम जी तो हमेशा नीचे काम करेगा, छदम बल ऊपर काम करेगा, दोनों एक दूसरे क्या हो गया, विपरीत। जब दोनों एक दूसरे के विपरीत हो गया तो प्रभावी गुरुत्वीय त्वरण जो होगा वो जी माइनस ए होगा, जो प्रभावी गुरुत्वीय त्वरण होगा वो जी माइनस ए होगा, समझ गए। तो फार्मूला क्या हो जाएगा, टी बराबर टू पाई अंडर रूट एल अपॉन जी माइनस ए, ठीक है। तब वहाँ पर प्रभावी गुरुत्वीय त्वरण जो है घट जाएगा, प्रभावी गुरुत्वीय त्वरण घट जाएगा और आवर्त काल जो है क्या हो गया, बढ़ जाएगा, बात समझ गए। तो ये सिर्फ और सिर्फ फार्मूला जो है जी के परिवर्तन के कारण आपका फार्मूला का मान चेंज होगा। जैसे पृथ्वी के सतह से ऊपर ले जाते हैं तो जी का मान घटता है, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा वहाँ जी चेंज हो जाएगा। पृथ्वी के सतह से नीचे ले जाते हैं जी का मान घटता है, वहाँ भी आपका आवर्तकाल चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर आवर्तकाल का विभिन्न सूत्र जो है, सरल दोलक के आवर्तकाल का विभिन्न सूत्र जो है वो सिर्फ गुरुत्वीय त्वरण के कारण परिवर्तित होते रहता है, समझ गए। यदि सरल दोलक के गोलक को किसी द्रव्य में डुबो दिया जाए, यदि किसी सरल दोलक के गोलक को द्रव्य में डुबो दिया जाए तब वहां पर आपका प्रभावी त्वरण जो होगा जी डैश इज इक्वल टू वन माइनस सिग्मा अपॉन रो इंटू जी, ये बात को ध्यान रखिएगा। तब वहां पर प्रभावी जो त्वरण होगा वो जी डैश इज इक्वल टू वन माइनस सिग्मा अपॉन रो इंटू जी, ठीक है। जहाँ सिग्मा क्या है, सिग्मा जो है द्रव्य का घनत्व है, ठीक है, समझ गए। जहाँ सिग्मा जो है वो द्रव्य का घनत्व है एवं रो जो है सरल दोलक के गोलक का घनत्व है, क्लियर। सिग्मा जो है द्रव्य का घनत्व है और रो जो है सरल दोलक के गोलक का घनत्व है। अगर उसे द्रव्य में इमर्ज डुबो दिया जाता है तब आवर्तकाल परिवर्तित हो जाएगा और जी डैश का मान ये होगा, समझ गए। ये जितना हमने कंसेप्ट दिया वो किससे रिलेटेड था, वह था सरल दोलक से, वह सरल दोलक से था। नेक्स्ट जो है वो है स्प्रिंग दोलक। स्प्रिंग दोलक, स्प्रिंग दोलक में देखिए स्प्रिंग दोलक क्या है, यहां पर एक हल्का स्प्रिंग, वेटलेस हल्के स्प्रिंग को अगर ये उसका एक किनारा फिक्स कर दिया जाए, ठीक है, एक एक्सिस में रखा गया है, इसे वाई एक्सिस में भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक किनारा फिक्स कर दिया जाए और एक घर्षणहीन सतह है और दूसरे किनारे पर एक ब्लॉक को कनेक्ट कर दिया जाए, ठीक है, दूसरे किनारे पर एक ब्लॉक को बांध दिया जाए और उसे थोड़ा सा खींच करके छोड़ दिया जाए, उसे थोड़ा सा खींच करके छोड़ दिया जाए तो वह दोलन करने लगता है। वह थोड़ा सा उसे थोड़ा सा खींच कर छोड़ दिया जाए तो वह दोलन करने लगता है और इसे हम स्प्रिंग दोलक कहते हैं, इसे हम स्प्रिंग दोलक कहते हैं। अब सवाल है कि स्प्रिंग दोलक में कंसेप्ट क्या है, तो ध्यान से सुनिए। जब नहीं खींचा जाता है उस समय स्प्रिंग क्या है, उस समय स्प्रिंग अपने वास्तविक लंबाई में है। जब उसे थोड़ा सा खींचा जाता है तो उसकी लंबाई बढ़ गई, मतलब इलोंगेट कर गया। जब उसकी लंबाई बढ़ गई तो वह महत्तम पोजीशन हुआ, वह महत्तम स्थिति हुआ, समझ गए, वह महत्तम स्थिति हुआ। और महत्तम स्थिति पर कौन बल काम करता है, प्रत्यायनन बल। महत्तम स्थिति पर प्रत्यायनन बल काम करता है, जो खींच कर कहाँ लाएगा, क्या चाहेगा प्रत्यायनन बल, कि वह अपना वास्तविक लंबाई प्राप्त कर ले, वह अपना वास्तविक लंबाई प्राप्त कर ले, ठीक है। तो वह अपना वास्तविक लंबाई प्राप्त कर ले, जैसे ही वह वास्तविक लंबाई प्राप्त करेगा तो वह हो गया मध्य बिंदु, कंसेप्ट मिल गया। जब वह आपको वास्तविक लंबाई प्राप्त करेगा तो वह हो गया मध्य बिंदु। मध्य बिंदु पर कौन ऊर्जा महत्तम होता है, गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा महत्तम होता है, तो जैसे ही वास्तविक लंबाई प्राप्त करेगा
तब वो गतिज ऊर्जा महत्तम हो जाएगा, फिर उसके लंबाई को बढ़ा देगा। इस तरह से महत्तम बिंदु से मध्य बिंदु, मध्य बिंदु से महत्तम बिंदु दोलन करते रहता है, ठीक है। इस तरह से मध्य बिंदु से महत्तम बिंदु और महत्तम बिंदु से मध्य बिंदु दोलन करते रहता है, इसे हम कहते हैं स्प्रिंग दोलक, ठीक है। ये स्प्रिंग दोलक, लेकिन कंडीशन यही है, आपको स्प्रिंग जो होना चाहिए एकदम हल्का, वेटलेस स्प्रिंग होना चाहिए। उसका आवर्तकाल जो होता है टी बराबर 2π अंडर रूट एम अपॉन के, समझ गए। उसका आवर्तकाल होता है टी बराबर 2π अंडर रूट एम अपॉन के। कैपिटल एम क्या हुआ, जो मास कनेक्टेड है, और के जो है स्प्रिंग नियतांक है। यहां पर के जो है वो स्प्रिंग नियतांक है, समझ गए। यहां पर के स्प्रिंग नियतांक है, ये बात दिमाग बैठा लीजिए। के जो है स्प्रिंग नियतांक जो है स्प्रिंग के प्रकृति पर निर्भर करता है। यहां पर अगर स्प्रिंग नियतांक नहीं दिया गया है, बल दिया है, तो एक फॉर्मूला होता है एफ इक्वल टू कितना, एफ इक्वल टू के एक्स, एफ इक्वल टू के एक्स होता है। एक्स का मान दिया है, एफ का मान दिया है, के का मान निकल जाएगा। के बराबर कितना होगा, एफ बाई एक्स। एसआई पति में इसका मात्रक क्या होगा, न्यूटन अपॉन मीटर, समझ गए। तो फिक्स है इसका सूत्र, एक सूत्र होता है स्प्रिंग दोलक का, और स्प्रिंग दोलक का सूत्र जो होता है वो होता है टी इक्वल टू कितना, 2π अंडर रूट एम अपॉन के, एकदम समझ गए। टी इक्वल टू 2π अंडर रूट एम अपॉन के, समझ गए। दूसरी बात, स्प्रिंग दोलक को गुरुत्वहीन क्षेत्र में, गुरुत्वहीन क्षेत्र मतलब सैटेलाइट, अर्थ के केंद्र या कोई गुरुत्वहीन क्षेत्र, पृथ्वी के सतह से ऊपर, पृथ्वी के सतह से नीचे, लिफ्ट में या कहीं भी ले जाया जाता है, उसके आवर्तकाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। उसके आवर्तकाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, समझ गए। उसके आवर्तकाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि यह जीव पर निर्भर नहीं करता है, क्योंकि यह जीव पर निर्भर नहीं करता है, समझ गए। देखिए इस पर एक प्रश्न है कि एक स्प्रिंग दोलक का आवर्तकाल 2 सेकेंड है, 2 सेकेंड है, ठीक है। यदि द्रव्यमान में 2 किलोग्राम बढ़ा दिया जाए तब आवर्तकाल 1 सेकेंड से बढ़ जाता है, समझ गए। वास्तविक द्रव्यमान ज्ञात करें, समझ गए। क्वेश्चन एक प्रश्न है, एक प्रश्न को ध्यान समझिए। एक स्प्रिंग दोलक का आवर्तकाल 2 सेकेंड है, ठीक है। यदि द्रव्यमान में 2 किलोग्राम बढ़ा दिया जाए तब आवर्तकाल 1 सेकेंड से बढ़ जाता है। वास्तविक द्रव्यमान ज्ञात करें, कैसे बनेगा, देखिए। टी बराबर कितना हो गया, 2π अंडर रूट एम अपॉन के। इस समय टी का मान कितना है, 2 है, इसको समीकरण 1 मान लिया। अब 1 सेकेंड बढ़ गया तो 3 हो गया, 2π अंडर रूट इसमें कितना बढ़ गया, 2 किलोग्राम, तो m प्लस 2 बाई के, समझ गए। 2 इक्वेशन हुआ, पहला क्या हुआ 2 इक्वल टू 2π अंडर रूट m बाई के, और दूसरा क्या हुआ 3 इक्वल टू 2π अंडर रूट m प्लस 2 बाई के, ठीक है। वन में 2 से डिवाइड कर दिया गया, 2 बाई 3 इक्वल टू अंडर रूट m अपॉन एम प्लस 2, ठीक है। स्क्वायर कर दो, वर्ग कर दिया गया दोनों तरफ, तो 4 बाई 9 इक्वल टू एम अपॉन एम प्लस 2, ठीक है। या यहां पर 4m प्लस 8 बराबर 9m, ठीक है, या 5m बराबर 8, समझ गए। या m बराबर 8 अपॉन 5,
आंसर होगा 1.6 किलोग्राम। देखिए आंसर आ गया, आंसर होगा 1.6 किलोग्राम। ठीक है, समझ गए ये क्वेश्चन का हल आप समझ गए। पहले क्या हुआ, आवर्त काल, जब ओरिजिनल मास क्या है, वास्तविक मास जो है एम है, तब आवर्त काल 2 सेकंड है, तो 2 = कितना हुआ, 2 = 2 पाई, 2 = 2 पाई अंडर रूट एम अपॉन के। ठीक है, 2 में 1 सेकंड बढ़ा दिया गया तो 3 हो गया, 3 = 2 पाई अंडर रूट एम प्लस 2 बाई के। दोनों को डिवाइड किया गया, डिवाइड करने के बाद जो कटना है कट गया, दोनों तरफ वर्ग किया गया और सीधे एम का मान 8/5 आ गया, और 8/5 आया मतलब 1.6 किलोग्राम आंसर। समझ गया, देखिए स्प्रिंग पेंडुलम को मतलब स्प्रिंग दोलक को 2 प्रकार से क्या किया जाता है, संयोजित किया जाता है। स्प्रिंग पेंडुलम का, स्प्रिंग दोलक का संयोजन 2 प्रकार से किया जाता है। स्प्रिंग पेंडुलम का संयोजन 2 प्रकार से किया जाता है। पहला है श्रेणी क्रम संयोजन। ठीक है, तो देखिए मान लीजिए एक स्प्रिंग ए है और यहां पर मास एम है। ए का स्प्रिंग कांस्टेंट K1 है, दूसरे का K2 है। 2 स्प्रिंग है, एक का स्प्रिंग कांस्टेंट K1 है, दूसरे का स्प्रिंग कांस्टेंट K2 है, और सबसे मास सबसे नीचे लटकाया गया है, ध्यान रखिए। तो वेट जो है mg जो है वो दोनों स्प्रिंग पर सेम होगा, mg जो है वो दोनों स्प्रिंग पर सेम होगा, मतलब दोनों स्प्रिंग पर जो बल का अनुभव करेगा वो समान अनुभव करेगा, दोनों स्प्रिंग पर बल का अनुभव समान करेगा। लेकिन पहला स्प्रिंग अगर y1 से इलोंगेट करता है, y1 से उसकी लंबाई बढ़ती है, तो दूसरा स्प्रिंग K2 का Y2 से बढ़ेगा। यहां पर डिस्प्लेसमेंट अलग अलग होगा, विस्थापन अलग अलग होगा, लेकिन बल जो होगा वो समान होगा। तो ध्यान रखिए इसका समतुल्य स्प्रिंग यतांक केस श्रेणी क्रम के लिए केस K1 K2 / K1 + K2, सीधे याद रखिएगा फॉर्मूला याद रखिएगा। केस इज इक्वल टू K1 K2 / K1 + K2, सीधे सही क्रम लिखा रहे तब। और टाइम पीरियड निकालना है तो TS = हो जाएगा 2π √M/KS, जो केस का मान आप यहां से निकालिएगा, सीधे डायरेक्ट याद रखिए। सही क्रम में क्या हो गया, बल समान, विस्थापन अलग अलग, समतुल्य स्प्रिंग नियतांक क्या होगा, KS = K1 K2 / K1 + K2, टाइम पीरियड जो होगा अवर्तकाल T = कितना होगा, 2π √M/KS। समझ गए। दूसरा जो है समांतर क्रम, समांतर क्रम में क्या होता है कि एक स्प्रिंग है K1, दूसरा स्प्रिंग है K2, ठीक है, एक स्प्रिंग K1 है और दूसरा स्प्रिंग क्या है K2 है, दोनों फिक्स है, ऊपर पहला स्प्रिंग फिक्स है, दूसरा स्प्रिंग नीचे फिक्स है। यहां पर जो है आपको बीच में क्या है, M जो द्रव्यमान कनेक्ट किया गया है, तो यहां पर अगर फर्स्ट स्प्रिंग जो है, पहला स्प्रिंग जो है, यदि यहां पर जो है वाई से खिंचाव होता है, पहला स्प्रिंग का वाई से खिंचाव होता है, तो दूसरा स्प्रिंग वाई से संपीड़ित होगा। पहला स्प्रिंग में वाई से खिंचाव होता है तो दूसरा स्प्रिंग वाई से संपीड़ित होगा, ठीक है। अगर ऊपर की तरफ जाता है तो दूसरा, तो ये नीचे वाला स्प्रिंग में जितना खिंचाव होगा पहला वाला स्प्रिंग उतना ही संपीड़ित होगा। अर्थ क्या निकला कि विस्थापन समान होता है, समझ गए, अर्थ निकला कि विस्थापन समान होता है, समझ गए। और यहां पर जो है, यहां पर आपको बल जो करेगा, दोनों स्प्रिंग जो बल आरोपित करेगा वो अलग अलग करेगा, दोनों स्प्रिंग बल जो आरोपित करेगा अलग अलग करेगा। एक अगर K1 F1 आरोपित करता है तो K2 का करेगा, F2 आरोपित करेगा। तो यहां पर समतुल्य स्प्रिंग नियतांक KP = कितना होगा, K1 + K2, ठीक है, समतुल्य यहां पर स्प्रिंग नियतांक KP = K1 + K2, और आवर्तकाल TP = होगा 2π √M/KP। समझ गए, M/KP, ये हो गया समांतर क्रम के लिए। बस 2 फॉर्मूला आपके सामने है, एक श्रेणी क्रम के लिए KS = K1 K2 / K1 + K2, और यहां पर जो है टाइम आवर्तकाल TS = 2π/M/KS। समझ गए,
समांतर क्रम के लिए केपी इक्वल टू के वन प्लस के टू और टीपी इक्वल टू टू पाई अंडर रूट एम अपॉन के पी, समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं। तो स्प्रिंग नियतांक, स्प्रिंग दोलक का जो मेन फार्मूला होता है वो टी बराबर टू पाई अंडर रूट एम अपॉन के, ठीक है, समझ गए। और यहाँ पर इसको ज़्यादा से ज़्यादा दो प्रकार से संयोजन करते हैं, एक श्रेणी क्रम और दूसरा समांतर क्रम। श्रेणी क्रम का भी हमने आपको सूत्र बता दिया, समांतर क्रम का भी सूत्र बता दिया, नो प्रॉब्लम। अब याद रखिएगा, यदि स्प्रिंग पेंडुलम का ऊर्जा, अगर स्थितिज ऊर्जा चाहिए तो स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है स्प्रिंग पेंडुलम का यू बराबर वन बाई टू के वाई स्क्वायर, ठीक है, U बराबर होगा 1 बाई टू के वाई स्क्वायर। और दूसरा जो फॉर्मूला होगा वो K बराबर होगा 1 बाई टू के ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होगा, दूसरा जो होगा वो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होगा। वो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला K बराबर होगा 1 बाई टू के, 1 बाई टू के ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, समझ गए। सरल आवर्त गति का जितना महत्वपूर्ण सूत्र होता है, जिस पर अभी तक जो प्रश्न आए हैं वो सब फॉर्मूले सूत्र आपको बता दिया गया, ये बात को ध्यान रखिए, एकदम क्लियर कट कंसेप्ट रखिएगा। विस्थापन का, त्वरण का, वेग का, फिर ऊर्जा का, फिर कला का, पुनः स्प्रिंग दोलक का, सरल दोलक का और स्प्रिंग दोलक का, समझ गए। ये सब सरल आवर्त गति के महत्वपूर्ण सूत्र हैं, ठीक है, धन्यवाद।